तो हेलो भाई, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग के लिए न्यू हैक ला चुका हूँ, देख सकते हो द किंग चीट V54 वर्जन आ चुका है आप लोग के लिए, जो कि आप लोग का बिल्कुल फुली एंटी बैन हैक है और फुली एंटी बैन हैक चलने वाला है। और आप लोग को कैसे इसका सेटअप करना है और कौन कौन सा ऑप्शन ओपन रखना है, कौन कौन सा ऑप्शन बंद रखना है और किसके में क्रैश प्रॉब्लम आप लोग को आ रहा है वो कैसे ठीक करें, और जिसका जो प्रॉब्लम आ रहा है इस वीडियो में, थोड़ा लंबा वीडियो है पर आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ, इस वीडियो में मैं सारे प्रॉब्लम आप लोग के लिए बता दिया हूँ, आप लोग को सारे प्रॉब्लम फिक्स हो जाएंगे। हमारे टेलीग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसमें बायो में आप लोग को टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में, दोनों में आप लोग को टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ पर आ जाइएगा, सेटअप वीडियो आप लोग को इसी वीडियो में मिल जाएगा। वहाँ पर मैं आप लोग को स्ट्राइक भी बना के दिखा देता हूँ, जो बहुत सारे बंदे बोलते हैं कि अटकता है तो उनसे कैसे बचना है, इस वीडियो में आप लोग सेटअप में सब बता दूंगा। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि हम लोग को बस ऑटो किल इस हैक में है, देख सकते हैं बस गन लेके दौड़ना है, बाकी हो जाएगा। तो बात करते हैं आखिरकार सेटअप कैसे होगा, तो सेटअप वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग को सबसे पहले ये देखिए ऐसे इंटरफेस आएगा, सबसे पहले हमारे टेलीग्राम पे आइएगा, ये मैं पोस्ट किया हूँ देख सकते हो, यहाँ पे आप लोग हैक डाउनलोड कर लीजिएगा, ये की है OBB फाइल है और ऊपर हैक हैक आप लोग इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। ये आप लोग जैसे इसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड में ये देख सकते हैं द किंग चीट V54 का APK आ जाएगा। इसके आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ पे OBB फाइल यहाँ पे डायरेक्ट दिया हूँ, इसे क्लिक करके 3 डॉट पे सेव टू डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिएगा। आपका सेव टू डाउनलोड पे क्लिक हो गया तो यहाँ पे सबसे पहले अब आप लोग किंग चीट को इंस्टॉल कर लीजिए। मैं एक बार उड़ा के फिर से आप लोग को दिखा देता हूँ आप लोग कैसे ओपन करें। डाउनलोड के अंदर आए, ये किंग चीट को सबसे पहले हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके बाद OBB फाइल आप लोग को कैसे सेट करना है वो भी मैं बता देता हूँ। इस वीडियो में मैं सारा चीज़ बताऊँ कि कैसे आप लोग को क्या करना है। बहुत सारे बंदे OBB फाइल नहीं सेट कर पाते तो उनके लिए बताया हूँ, और जो सेट कर लेते हैं उनका कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग का देख सकते हैं कि ये हो चुका है आप लोग का ये ऐप डाउनलोड, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। उसके बाद सबसे पहले जेट अचीवर में चलते हैं और ये देखो OBB फाइल यहाँ पर अभी नहीं सो रहा है, यहाँ पर एक OBB फाइल बना लेते हैं। तो यहाँ पर फोल्डर पर क्लिक करते हैं, एंड्रॉयड के अंदर आके ये com.dts के अंदर आके यहाँ पर हम लोग dts.freefireth लिखेंगे, क्या लिखेंगे com.dts.freefireth। ये देख सकते हैं लोगो आ गया फ्री फायर का, बट इसमें अभी तक OBB फाइल नहीं है। तो यहाँ टेलीग्राम में हम लोग सेव किए थे, डाउनलोड में आओ टेलीग्राम में, इसे करो कट करना है, ठीक है। डिवाइस स्टोरेज एंड्रॉयड OBB इसके अंदर आके पेस्ट कर दो, ये देखो OBB फाइल आप लोग का पेस्ट हो गया, ठीक है। OBB फाइल पेस्ट होने के बाद नेट करो ऑफ, नेट करने के बाद ऑफ, उसके बाद गेम ओपन करना, नेट ऑन रहेगा गेम ओपन नहीं होगा। ये देखो यहाँ पे आप लोग को अब लॉगिन की मांगेगा, बहुत सारे बंदे को यहाँ प्रॉब्लम आ रहा था लॉगिन की नहीं, तो आप लोग को देखो टेलीग्राम सबसे पहले ओपन करना है, ये देखो लॉगिन की मैं दिखाता हूँ कैसे आप लोग को मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे बंदों को प्रॉब्लम आ रहा था, ये देखो की डायरेक्ट लिंक में दिया हूँ, यहाँ पे आप लोग थोड़ा वेट करिएगा, ये ऐसा पेज खुल के आएगा, I am not robot पे क्लिक करना है। उसका ऊपर रेड कलर का दो ऑप्शन दिख रहा है, जिसका ऊपर से आ जाए ऊपर से, जिसका नीचे से आ जाए नीचे से, की आप लोग को दिख जाएगा। ये देखो की 9208 यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं की, और ये भी लिखना है की भी लिखना है, ऐसा नहीं कि आप लोग बस डिजिट डालते हैं बहुत सारे बंदे, तो आपको पूरा लिखना है की 908 डिजिट भी लिखना है और PAS लिखना है, पास का स्पेलिंग PASS मत लिखिएगा, PAS। ये देखो डायरेक्ट डिजिट नहीं डालना है आप लोग को, सबसे पहले PAS लिख के उसके बाद डिजिट डालना है। तो आगे हम लोग इधर देख लेते हैं, मिला लेते हैं और करेक्ट आप लोग डालिएगा तभी आप लोग का फुली एंटी बैन और लॉगिन हो जाएगा। जैसे ही ये देखो लॉगिन पे क्लिक किए, ये आप लोग को कंफर्म करना है, सिम पे क्लिक कर देना है, अलाउ करना है, अलाउ, ठीक है, अलाउ कर देना है, वो सिम मतलब अलाउ है आप लोग का। ये देखो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, इस पर फ्री फायर पर सिलेक्ट करके फोल्डर को हम लोग कर देंगे अलाउ। ये जैसे ही हम लोग का हो जाएगा अलाउ, ये देखो उसके बाद आप लोग को कुछ ऐसा ब्लैक इंटरफेस आएगा, आपको उड़ा देना, ये आपका सेटिंग हो गया है। अब आप लोग को दोबारा से क्या करना है, नेट ऑफ करना है और गेम को ओपन करना है। यहाँ पे बस फर्स्ट टाइम आप लोग को ये इशू देखने को मिलेगा, उसके बाद नहीं, ये देखो ऑलरेडी अब की लिखा रहेगा। यहाँ पे आप लोग को डायरेक्ट अब लॉगिन पे क्लिक करना है, ठीक है।
लॉगिन पे क्लिक करो, ये देखो लॉगिन पे आ गया। ये देखो मोड मेन्यू का ये रेड कलर का लोगो आ गया, V54 वर्जन। अब आप लोग को कौन कौन सा ऑप्शन ओपन करना है वो भी मैं आप लोग को इसी वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोग को ये देखो इसे अपडेट कर लो। अपडेट करने के बाद, और बहुत सारे लोग का कि कैरेक्टर खड़ा हो जाता है तो उन्हें मोड मेन्यू का वो जो है V50 उसको भी लॉगिन करना होता है, उसको भी आप लोग लॉगिन कर लीजिएगा तो आपका कैरेक्टर बस लॉबी में खड़ा नहीं रहेगा कि गेम के अंदर जाते हैं बस खड़ा रहेगा, तब आप लोग का रन भी करेगा, ठीक है। ये लॉबी में आ जाते हैं, सबसे पहले लॉबी में आने के बाद ये देखो आप लोग को अब कुछ नहीं करना है यहाँ पे। अब देखो ये देखो ये किंग चीट को एकदम बीच में लाना है, उसके बाद ये मिनिमाइज़ करना है। मिनिमाइज़ करने के बाद सिंगापुर VPN पे सिलेक्ट करो। सिंगापुर VPN सिलेक्ट करने के बाद ये सर्वर सिलेक्ट, इसके बाद यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम सिलेक्ट कर दो या यूनाइटेड स्टेट, दो में से कोई भी सिलेक्ट करके लॉगिन पे क्लिक करना है हम लोग को, ठीक है। ये देखो VPN कनेक्ट हुआ, लॉगिन पे करना है क्लिक। ये देखो मोड मेन्यू का ऑप्शन आ गया। अब आप लोग को VPN करना है बंद, अब VPN कर दो बंद, अब इसका काम हो गया, ठीक है। VPN बंद करने के बाद उड़ा दो, उसके बाद आप लोग को अब डायरेक्ट देखो आप लोग का दोनों हैक एक साथ ही वर्क करेगा, ठीक है। दोनों हैक एक साथ ही वर्क करेगा, अब फुल्ली एंटी बैन चलने वाला है। और मैं बता देना चाहता हूँ ऑटो किल का यूज़ ज़्यादा मत करिएगा, क्योंकि उससे आप लोग की कभी कभी ID बैन इशू देखने को मिल जाता है, तो इसीलिए ऑटो किल का ज़्यादा यूज मत करिएगा। तो आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ, इधर से सबसे पहले हम लोग लगा लेते हैं। ये देखो लगा लिए, ये स्टार्ट पे क्लिक कर दिए, स्टार्ट हो गया, अलाउ कर दो। अलाउ करने के बाद कौन कौन सा ऑप्शन ओपन करना है वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये देखो गेम के अंदर हम लोग आ गए। अभी देखो ये ब्लैक स्क्रीन पे अटक जाता है गेम सबका, तो यहाँ पे क्या करना है, जब तक आप लोग के ये देखो थोड़ा 5 से 10 सेकेंड बाद आप लोग को ब्लैक स्क्रीन पे टच करना है, ये जो ब्लैक कलर का लिख के आया है, ठीक है। 5 से 10 सेकेंड बाद ये देखो एम स्कोप ऑटो हेडशॉट जो है उसको ज़्यादा आप लोग को ऑन नहीं करना है, ठीक है। उसकी वजह से ID बैन इशू देखने को मिलता है, तो उसको ज़्यादा यूज मत करिएगा। हाँ आप लोग 10 गेम में 4-5 गेम यूज कर सकते हैं, पर तो